अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं फाक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अफाक टेक। तो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप सर्च कर लें फ़ोटो एडिटर। तो फ्रेंड, यहाँ से आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड आपने इसको ओपन कर लेना है। तो और ओपन करने के बाद यहाँ से आपने न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर देना है, यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से आपने इधर प्रेस करना है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा FF00, यहाँ से आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कोई भी दे सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं ब्लैक दे देता हूँ और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये कलर आ जाएगा बैकग्राउंड। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपने नीचे देख रहे होंगे कलर है, कर्व्स एंड लेवल इफेक्ट, ये सब कुछ आप दे सकते हैं। फ्रेम है, क्वेक्शन, ये सब कुछ, ड्राइविंग पिक्सल, कटआउट, टैक्स और इमेज, ये अपनी ये जो है ये आइकन बहुत ही खास है। तो फ्रेंड यहाँ से आप टैक्स ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बनाता हूँ खुद से कोई भी थंबनेल, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से जब आपने प्रेस करना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से जब आपने टेक्स्ट देना है ना, तो यहाँ से आपको ये जो 6 बार हैं ये नज़र आ रही होगी, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, आउटलाइन टॉप, आउटलाइन बटन, बैकग्राउंड टॉप, बैकग्राउंड बटन। टेक्स्ट टॉप का मतलब है कि जो ऊपर वाली साइड होगी ना टेक्स्ट की, उसका कलर आपने क्या रखना है। तो मैंने वो भी रेड किया हुआ है और जो नीचे वाला है बटन में वो भी रेड किया हुआ है, आउटलाइन भी, टॉप जो आउटलाइन है टॉप पर वो भी मैंने रेड किया हुआ है और आउटलाइन बटन भी मैंने रेड किया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ से अब मैं आपको, अगर आपने यहाँ से चेंजिंग करनी हो तो आपने टेक्स्ट टॉप पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से वाइट करता हूँ, ये देखें तो आपको वो नज़र आ रहा होगा ऊपर टेक्स्ट जो है टॉप पर, वो अब वाइट हो चुका है। और अगर मैं टेक्स्ट बॉटम करता हूँ वो भी वाइट, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि वो भी वाइट हो चुका है। तो जो आउटलाइन होगी ना, आउटलाइन यानी कि जो आउटलाइन होगी, तो वो आप देख रहे हैं जो बीच में आउटलाइन है, तो वो इस वक्त भी रेड हैं, यानी कि वो आपको नज़र आ रही होगी जो टॉप पर है आउटलाइन, जो और जो बटन पर है आउटलाइन, वो अभी भी रेड हैं। तो यहाँ से एग्जांपल के तौर पर मैं अब बनाता हूँ खुद से एक थंबनेल कर दिया। अब आपने यहाँ से सेट कर लेना है, तो वो भी मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। यहाँ से आपने क्लोज कर देना है, अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो कहा था आपको
यहाँ से आपने सेट कर देना है ये जो रोटेशन का आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मैंने अभी लिखा है यूट्यूब इम्पोर्टेंट, और अब आपने फिर जैसा कि कोई और भी टैक्स ऐड करना है, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यूट्यूब इम्पोर्टेंट यहाँ से मैं फिर टैक्स ऐड करूँगा इधर से इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ टैक्स मैंने फिर यहाँ से रेड कर दिया टोटल यूट्यूब इम्पोर्टेंट। यहाँ से मैं लिखता हूँ अब सेटिंग, तो ये देखें यूट्यूब इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो फ्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब इम्पोर्टेंट, यहाँ से आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यूट्यूब इम्पोर्टेंट सेटिंग, और उसके बाद आप यहाँ से कोई पिक भी दे सकते हैं, यहाँ से आप गैलरी पर जाएं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी अपनी गैलरी से इमेज, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैंने इसको अब लगाना है, तो मैं यहाँ से क्रॉप कर दूँगा ये देखें। तो मैं यहाँ पर लोगो यूट्यूब का भी लगा देता हूँ, या फिर आप इधर ये कर सकते हैं यूट्यूब इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो फ्रेंड ये आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड इस तरह आप एक बहुत ही अच्छा जो थंबनेल है ना वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड उसके बाद आपने अगर इसको सेव करना हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से अप्लाई कर देना है, और यहाँ से फिर एक बार क्लिक करके गैलरी पर क्लिक कर देना है, तो ये थंबनेल सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ गई होगी।